ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? आपके पास भी धन की हानि रहती है, धन न तो रुकता है, पैसे आते हैं, कर्ज बहुत हो रहा है, कर्ज भी चुकाना चाहते हैं, मतलब धन से संबंधित कोई भी परेशानी यदि आपको है तो मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों को अगर आप जप करेंगे, इन मंत्रों को अपनाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ शर्त है कि अपने अंदर की दरिद्रता को ज़रूर निकाल लें, अपने अंदर से जो भी क्लेश हो, जो घमंड हो, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी है उसे ज़रूर निकालें। वो भी हम आगे सब बताएंगे किस तरह से चीज़ें हमें करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम आप लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप लिख दें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब अमीर बनने के पीछे सबसे पहले और मुख्यतः जो बात आपको करना है, घर में जो भी अनुपयोगी चीज़ें कबाड़ है उसे घर से बाहर कर दें, क्योंकि जहाँ दरिद्रता का वास होगा ना, वहाँ कभी भी लक्ष्मी माँ का वास नहीं होगा। दूसरा है कि इन उपायों को या इन तरीकों को निस्वार्थ भाव से करना है, जिससे आपके मन से छल कपट भी निकल जाएगा, लालच भी निकल जाएगा और आपको ज़रूर बहुत हद तक बड़ा फायदा होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो मंत्र कौन है, कौन से हैं जिन्हें आपका जप करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र है ओम धनाय नमः। इस मंत्र को कंटिन्यू जाप करना है आपको, सोते उठते बैठते अगर आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा बात है। दूसरा मंत्र है लक्ष्मी नमः। तीसरा मंत्र है लक्ष्मी नमो नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, नारायण नमो नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये मंत्र जो है, एक एक मंत्र है जिसको मैंने आपके सामने दोहराया है, इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र ले और उसको कंटिन्यू सतत आप जाप करते रहें। 7 दिन तक जाप करें, आपको बहुत पॉजिटिव